दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे MI के 4X सीरीज के बारे में। तो उसमें कौन कौन से वेरिएंट लॉन्च किए हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसी के साथ घंटी बजाए टन टनाटन, और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात यहाँ पे ऐसे कि MI ने टोटल 4 टीवी लॉन्च की है, ठीक है। तो उसमें 4X सीरीज वाली है, उसमें 3 4K टीवी लॉन्च की है, और एक जो 4A सीरीज है उसमें एक फुल HD टीवी लॉन्च की है। तो बात कर ले इसके प्राइस और साइज के बारे में, तो यहाँ पर 4K वाली जो टीवी है, सबसे बड़ी वाली जो वेरिएंट है उसका 65 इंच का निकल के आता है, और उसकी जो प्राइस रखी है 55,000 रुपीज। तो प्राइस तो एकदम तोड़ू, मतलब 65 इंच वाली टीवी आपको 55,000 रुपीज से मिली तो एक बहुत अच्छी बात होगी। और बात कर ले उसके दूसरे वेरिएंट जो उससे थोड़ा छोटा है, वो 50 इंच का है। बात करें उसके प्राइस के बारे में, तो उसकी प्राइसिंग रखी हुई है 30,000 रुपए, तो प्राइसिंग इसकी भी काफी अच्छी है। और बात करें उससे नीचे वाले वेरिएंट की, मतलब 43 इंच की 4K टीवी आपको मिलने वाली है 25,000 रुपए में। ये बातें होगी 4K टीवी के बारे में जो 4X सीरीज में आपको मिलने वाली है, लेकिन बहुत डिफरेंस है 65 इंच वाली टीवी में और 43 और 50 इंच वाली टीवी में, तो वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और यहां पर जो 4A सीरीज है उसमें एक 40 इंच की टीवी लॉन्च की है, और उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 18,000 रुपए। तो ये हो गई बातें वेरिएंट, प्राइसिंग और साइज के बारे में। सो अब बात कर लेते हैं यहां पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो आपको 4K टीवी में बोल सकते हो या फिर 4X सीरीज में मिलने वाले हैं। तो यहां पर आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, उसमें से जो एक 3 HDMI पोर्ट में से एक जो पोर्ट है वो आर्क पोर्ट है। और बात कर ले यहां पे अदर कनेक्टिविटी के लिए, तो यहां पर आपको 3.5 mm का जैक देखने मिल जाएगा, इंटरनेट का पोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब बातें हुई कनेक्टिविटी के बारे में। इसी के साथ साथ ब्लूटूथ भी दिया गया है 5.0 जो लेटेस्ट वाला, तो ये जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा MI की तरफ से हमें लेटेस्ट अपडेट देखने मिलता है, तो यहां पर ब्लूटूथ भी 5.0 वाला दिया गया है। बात कर ले स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। इसी के साथ ही साथ आपको 20W का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। बात कर ले यहां पे कंटेंट प्रोवाइडर के, जो हमारे कहते हैं Amazon Prime और Netflix, वो फाइनली हमको MI की टीवी में देखने मिल जाएंगे, जो हमें काफी सब्री से इंतजार था, वो फाइनली बोलते हैं ना MI की टीवी में आ चुका है। तो हमारे जो MI फैंस है या बोलते मी फैंस, सब लोग खुश हो जाओ क्योंकि फाइनली MI की टीवी में आपको Amazon Prime और Netflix प्री इंस्टॉल देखने मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो हैट्स ऑफ टू MI। इसी के साथ ही साथ आपको यूट्यूब, हॉटस्टार, हंगामा, सब कुछ जितने भी एप्स है सब कुछ परफेक्टली चलने वाले, और इसी टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जब मैं बात कर रहा हूं कंटेंट प्रोवाइडर की, तो मैं MI के पैचवॉल को कैसे भूल सकता हूं। तो यहां पर पैचवॉल 2.0 दिया गया। इसी के साथ साथ जो 7,000 घंटे तक का कंटेंट आपको इसी टीवी में देखने मिल जाएगा, तो फिर भाई और क्या चाहिए, मतलब टीवी लो, फुल टाइम देखते रहो, मजे करो, एंजॉय करो, ढिंचा एकदम। बात कर ले यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो एंड्रॉइड 9 लेटेस्ट वाला आपको MI की टीवी में देखने मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं बात करूं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। बढ़ते हैं अगले स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो बात करें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, लेकिन एक में लगाया है A53 और एक में लगाया है A55 एमलॉजिक का चिपसेट। जो कौन सी टीवी मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। बात करें यहाँ पे अगर पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो MI वाले हैं एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है VP विविड पिक्चर इंजन। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपका ब्राइटनेस लेवल है या बोल सकते हो कॉन्ट्रास्ट लेवल है, सब कुछ मैनेज करता है, अच्छे अच्छे कलर प्रोड्यूस करता है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो MI की टीवी में ये आपको देखने मिल जाएगा, ये इंजन जिसके थ्रू आपको कलर बोल सकते हो या फिर पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो 65 इंच वाला जो टीवी है उसमें आपको LG का IPS पैनल देखने मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ 43 इंच और 50 इंच में आपको IPS पैनल नहीं दिया गया, तो ये चीज का ध्यान रखो। तो यहां पर एक मेरे को माइनस पॉइंट लगता है कि यहां पर LG ने अगर IPS पैनल उसमें भी दिया होता तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एकदम जबरदस्त होता मेरे हिसाब से। जब भी आप परचेस करो 43 और 50 इंच वाली 4K टीवी, तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर IPS पैनल नहीं तो आपको अच्छे व्यूइंग एंगल्स कौन देगा। व्यूइंग एंगल्स मतलब आप बाजू से देख रहे हो तो आपको काला दिखेगा, मजा नहीं आएगा, आपको सामने ही बैठ के देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है IPS पैनल का यही। इसी के साथ साथ आपको HDR10 का सपोर्ट तीनों ही टीवी में देखने मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खाली सिर्फ IPS पैनल का झोल है, बाकी तो सब एकदम मस्त है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कंटेंट शेयरिंग की, मतलब आपके मोबाइल का फोन अगर आप टीवी में देखना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आपको इसमें टीवी में क्रोमकास्ट बिल्ट इन आता है, तो इसके थ्रू आप इजीली आपका मोबाइल का कंटेंट इजीली प्ले कर सकते हो टीवी में, तो ये बहुत अच्छी बात है MI की तरफ से।
एक लाइक इसी पे बनता है। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक रिमोट मिल जाता है, मतलब बहुत लिमिटेड बटन है। लेकिन यहाँ पे जो नई चीज लेकर आई है, अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स का डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, जिसका हम सभी को इंतजार था। क्योंकि अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि हमारे चाहते कंटेंट प्रोवाइडर है, आप बोल सकते हो हमारे बोलते हैं ना एकदम फेवरेट, पूरे इंडिया में एकदम फेवरेट वाले कंटेंट प्रोवाइडर आपको देखने मिलेंगे। तो भाई इस बार एमआई ने तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि डेडिकेटेड बटन दे दिए, तो सब लोग इंजॉय करोगे भाई अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स। इसी के साथ ही साथ आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो और क्या चाहिए भाई, रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट सपोर्ट भी एमआई वाले ने दे रखा है। बात कर ले यहाँ पे टीवी के डिजाइन के बारे में या बोल सकते हो या फिर बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको मेटल फिनिशिंग दिया गया है 4K टीवी में, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एमआई के 4X सीरीज में आपको अभी तक प्लास्टिक की डिजाइन देखने मिलती थी, लेकिन यहाँ पर एमआई ने मेटल डिजाइन लेके आ चुका है, या फिर बोल सकते हो मेटल फिनिशिंग के साथ डिजाइन लेके आया, तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर एमआई ने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसका नाम है डेटा सेवर टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू होगा कि आपका जो डेटा है वो सेव करेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पे आप एक लिमिट भी सेट कर सकते हो। समझ लो कि भाई 500 GB या 100 GB डेटा हो गया, उसके बाद आप नेट बंद कर दो या फिर कंटेंट प्ले करना बंद कर दो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसके थ्रू आप डेटा सेव करोगे। तो कहीं ना कहीं एमआई आपके फायदे के बारे में भी सोच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो हैट्स ऑफ टू एमआई वंस अगेन। यहां पे बात कर लेते हैं एमआई के कुछ भेदभाव के बारे में जो उन्होंने 4X सीरीज में किया है, जो उनके वेरिएंट्स में, मतलब जो 65 इंच वाले जो टीवी है उसमें दे दिया IPS पैनल, ठीक है। और मैं बात करूं दूसरा जो 43 इंच वाला है और 50 इंच, उसमें IPS पैनल नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव किया है एमआई ने। इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी कम ज्यादा कर दिया, मतलब जो 65 इंच वाली टीवी है उसमें आपको 2 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं 43 इंच और 50 इंच में आपको आपको 2 GB का रैम तो दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज है 8 GB का दे रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा भेदभाव किया है एमआई ने। इसी के साथ साथ एक और बड़ा माइनस पॉइंट या बोलते बोल सकते हो ये डिफरेंस 4X सीरीज में देखने मिला कि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर दिया जा रहा है क्वाड कोर का 64-bit A53 मिल रहा है, किसमें आपको 65 इंच वाली टीवी में, लेकिन जो 43 इंच और 50 इंच वाली टीवी है उसमें आपको मिलेगा A53 का एमोलॉजिक चिपसेट देखने मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप टीवी परचेस करो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि भाई ये सब डिफरेंसेस भी है, ऐसा नहीं कि बस भाई 4K टीवी लॉन्च कर ली है, 4X सीरीज लॉन्च कर ली है तो फिर सबके सब ले ले या फिर आंख बंद करके कुछ भी ले ले। आपका डिसीजन है, आपके पैसे, आपको सोच समझ के लेना है। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सी टीवी ले, तो मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा 55 इंच वाली टीवी लो, क्योंकि उसका प्राइस और साइज एकदम जबरदस्त है। IPS पैनल मिल रहा है, एकदम अच्छे अच्छे फीचर्स दिए, डेटा सेवर जैसे फीचर मिल रहे हैं, मेटल बॉडी मिल रही है, और इसी के साथ साथ दो लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल रहा है। तो और क्या चाहिए आपको 55,000 रुपीज में। और मुझे पता है कि आप सभी को पिक्चर क्वालिटी में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर जानना चाहते हो कौन सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी, मतलब कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो यहां पर मैं सैंपल के लिए 65 इंच वाली टीवी का वीडियो प्ले कर देता हूं, आप सभी देख सकते हैं। बात कर ले यहाँ पे 4A सीरीज के बारे में, या फिर बोल सकते हो जो नई 4A सीरीज में जो टीवी लॉन्च की रही है 18,000 रुपए की 40 इंच की, वो भी बहुत अच्छी है। उसके स्पेसिफिकेशन भी लगभग सिमिलर ही है 43 इंच और 50 इंच के जैसे ही, खाली उसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको HDR10 नहीं मिलता। जो आपका जो 4A सीरीज में जो 40 इंच वाली टीवी, आपको उसमें HDR10 देखने नहीं मिलेगा। और जो लोग प्लान कर रहे हैं 32 इंच की टीवी लेने का, तो फिर आप लोग डेफिनेटली ये टीवी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 32 इंच की जगह सीधा 40 इंच मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2,000-4,000 रुपये बढ़ाने, मतलब अगर एमआई की मैं 32 इंच वाली टीवी कंसीडर करूँ तो वो कुछ 13,000 रुपये के आसपास आती है। तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये डालो, 40 इंच की टीवी एकदम बजट स्क्रीन में देख के मजे लो, एकदम एंजॉय करो। तो यहाँ पर मैं ये मेरे रिकमेंडेशन होंगे, बाकी आपका डिसीजन, आपके पैसे, सब कुछ आप ही का होता है। हमारा सिर्फ आपको गाइड करना होता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, जो भी है सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू बताना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसी के साथ साथ फिलहाल इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूंगा और आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ID है हैप्पी गाइड। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को। बाय बाय।